जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 10 छात्रों पर चार्जशीट में नया मोड़, दिल्ली पुलिस को पड़ी फटकार। कोर्ट का आदेश, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दोनों महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा दे पुलिस। योगी सरकार का बड़ा दांव, उत्तर प्रदेश में माफ हो सकती है फिर से किसानों का कर्ज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष 50 देशों में शामिल होगा भारत, वाइब्रेंट गुजरात के वैश्विक सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शेखर मिश्र और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। फिरोजाबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि फिरोजाबाद पुलिस भी इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। हुमायूंपुर निवासी 53 वर्षीय ब्रह्मदेव शर्मा, जो कि बाजार से अपने घर पैदल लौट रहे थे, कुछ दिन पहले बदमाशों ने तमंचे की बट से उन्हें घायल कर दिया था। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। ये बताइए क्या घटना हुई आपसे? घटना में वो गोली मारी पहले तो मैं चली ना ही, फिर वो तमन चल के मारो चाहिए ने। कौन लोग थे? गुंडा के तो लोड़ा वापस आ रहा। किस बात को लेकर मारपीट की है? पहले से दुश्मनी है हमारी। किस बात को लेकर? बस जाने हमारी मोड़ी भगवाई जाके सारो ले वो, फिर अब कल हमारे चूहे को लोड़ा मारो और फिर आज हमारे हमें जानते मार दो तो कट्टा तो चल जाते तो मच जाते हम तो। ये जो शिवकुमार शर्मा है और उनके जो उनके बच्चे और उनका वो साला पिछले कुछ दिनों से गली में 3-4 दिनों से चक्कर लगा रहे लगातार। कल शाम को उन्होंने मेरे छोटे भाई शिवम शर्मा को के साथ मारपीट की। हमने उसकी तहरीर यूपीएनडेट पर उनकी जानकारी दी, तहरीर भी दी थाने में, दक्षिण थाने में जाके। पर आज वाक्य शाम का था, पापा गए थे मार्केटिंग करने के लिए तो वो लौट के आ रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने उनके पास जो कैश था वो छीन लिया, तमंचे से गोली मारने की कोशिश की, गोली नहीं चली। उसके बाद उन्होंने तमंचे के बट से मुंह पर प्रहार की है। उसके बाद गले में जो जैकेट की जो रस्सी होती है उससे उनका फंदा लगा दिया बिल्कुल टाइट। उसके बाद जब भीड़ इकट्ठी हो गई तब वो भाग गए हैं उनको छोड़ के। ये सब चार लोग थे, शिवकुमार शर्मा, उनका पुत्र पुनीत शर्मा और उनका लड़का बड़ा छोटा लड़का प्रशांत शर्मा, उनका साला आशीष शर्मा, आशीष भारद्वाज चुन्ना। किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था कि आखिर क्यों ये बार बार प्रहार कर रहे हैं? कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मेरी छोटी बहन थी। गाजियाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार सिंह, जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी ओर यह भी साफ कर दिया कि गठबंधन उन लोगों का बनाया है जो कि अपने स्वार्थ और को साधने में और सत्ता के भोगने के चक्कर में हैं। गठबंधन उन लोगों ने बनाया है जो अपने सभी घोटालेबाजों को बचाना चाहते हैं। यह गठबंधन पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह महागठबंधन एक देशभक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ है। यूपी में संभल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि चंदौसी कोतवाली के इलाके में तेग बहादुर कॉलोनी में एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर में 3 लाशें मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ये तीनों लाशें महिलाओं की हैं, उसके देवर और उसकी नौकरानी की है। घटना के बाद मौके पर मुरादाबाद रेंज के IG भी पहुंचे। फिलहाल घर की हालत देखने से लगता है कि घर में लूट के बाद ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर कॉलोनी है चंदौसी जिला संभल में, यहाँ अभी 3 बॉडीज़ मिली हैं। अभी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। साइन ऑफ फोर्सफुल एंट्री अभी कोई दिखाई नहीं दी है। मोटा मोटा प्रथम दृष्टया लगता है कि कोई पहचान का या कोई ऐसा रहा होगा जो अंदर आया है। अभी जैसा परिवारिक सदस्य बात बता रहे हैं अभी उनसे बातचीत की जा रही है तो उसकी बेसिस पे विवेचना। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही रेप और बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है। एक नाबालिग बच्ची को किसी बहाने घर से बुलाकर पास के मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने की घिनौनी और दिल दहला लेने वाली हरकत सामने आई है। किसी वजह से दरिंदे युवक
के चंगुल से छूटी बदहवास बच्ची अपने घर पहुंची, जहां परिजनों को वारदात के बारे में बताया, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचकर पुलिस को आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल बच्ची को हो रही लगातार दरिंदगी के मामलों में आरोपियों को पकड़ने में नाकाम हो रही है पुलिस। मम्मी पर खाना बना रही थी नीचे खड़े में के यहाँ आवाज बताए हैं। किसने? गोपी ने। तो मैं अंदर ले गया और मैं संग में कपड़े फाड़े, गलत काम किए हमसे। मैं प्रकट सामने आया, क्या है पूरा मामला कुछ बता सकते? गाड़ी पूरा आरसी मिशन थाने के अंतर्गत मोहल्ले में एक बलात्कार की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में थाने उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय सेना दिवस के मौके पर 15 जनवरी से 3 मार्च तक चलने वाले सैनिक सम्मान समारोह की मुहिम तेज कर दी गई है। इस क्रम में शहीदों की नगरी शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लॉक में शहीदों के परिवार को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए 16 जनवरी को ब्लॉक परिसर में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां भाजपा के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शिरकत की, इस सम्मान समारोह में भाजपा के नेताओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की साख पर एक बार फिर बड़ा दाग लगा है। मामला बीएड सत्र 2012 और 2013 से जुड़ा है, जिसका फर्जीवाड़ा अधिकारियों की पकड़ में आ गया है और अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल बीएड सत्र 2012 और 2013 में परीक्षा फल को लेकर की गई शिकायत की इन सत्रों में अधिकारियों की मिलीभगत से लोगों को फर्जी तरीके से बीएड कराकर दी गई थी। देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन मामलों में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। छात्राओं की डिग्री के लिए क्या वजह है, छात्रों को दिक्कत आ रही है? ये टेट का परीक्षा फल निकला हुआ है, जिसमें 69,000 समथिंग वैकेंसी है, तो 12 और 13 का रिजल्ट जांच में रहा। 12 में तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आज से कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। डिपेंडेंसी है, पुरानी चली आ रही है। 13 में भी जाँच के अधीन है, उसमें कुछ छात्र नेता जांच की शिकायत किए थे परीक्षा पर, उस समय के अधिकारी उसको पूरा करा नहीं पाए थे। वो जांच के अधीन दोनों परीक्षा फल हैं, उनको ठीक कराया गया है। अभी इनको अस्थायी तौर पर हम लोग डिग्रियां अस्थायी डिग्री निर्गत करने की स्थिति में आ गए हैं। 12 की तो आज से शाम से कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी, 13 का भी कल या परसों से प्रारंभ हो जाएगी। इनको बता दिया गया कि ऑनलाइन जिनके भी आवेदन पत्र आए हैं आपके, सभी उस पर कार्रवाई करके आपकी मेल आईडी पर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। कब तक ये सर मान्य रहेगा? ये मान्य 6 महीने के लिए रहेगा। आजकल असम के कार्बी आंगलोंग जिले में गांव-गांव में बड़े ही जोर शोर से शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। यहां ग्रामीण को सरकार की तरफ से हर वो सम्मान और सामान मुहैया कराया जा रहा है, जो कि एक शौचालय के निर्माण के लिए जरूरी होता है। लेकिन इस जिले के माजिया हांडी गांव में 525 ईंटों के बजाय सिर्फ 300 ईंट में ही शौचालय का निर्माण पूरा कर दिया जा रहा है और 4 बोरी सीमेंट के बजाय सिर्फ 2 बोरी सीमेंट में ही काम को पूरा किया जा रहा है। ग्रामीण इससे असंतुष्ट हैं और ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय में के बने हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और अभी से ही शौचालय का टूटना शुरू हो गया है। लाल चौहान है, मैं मजिया आड़ी से हूँ और डिस्ट्रिक्ट कार्बी अलंग है। यहाँ पे मेरा जो शौचालय बनाया गया है, शौचालय के नाम पे क्या बोले, ये तो एक सप्ताह में जब गिर रहा है तो ये तो 1 से 2 महीना जाते जाते पूरा ही गिर जाएगा। और लेट बाथरूम बनाने के नाम पे 1500 रुपया हमसे लिया गया है। मेरे से ही नहीं, जितना यहाँ गाँव में बना है, 5 हो 10 हो जो 5 6 हो, सबसे लिया गया है। और जिस जो नहीं दिया है उनको नहीं बनाया गया है। कौन लिए हैं पैसा? दुर्गा चौहान जी लिए हैं और अभिमन्यु लिए हैं। दो आदमी लिए हैं। अभी तक कितना घर बना है? अभी तो 6 बना है और साइड में भी 1-2 बना है। गाजियाबाद में टीला मोड़ से लोनी जा रही स्कूटी सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी पर पीछे बैठे 45 वर्षीय राजू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन कस्बा चौकी के पास पुलिस ने ट्रक को पकड़ चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर कोतवाली क्षेत्र में जबरदस्ती रूबेला इंजेक्शन लगाने से एक छात्र पैरालिसिस हो गया। पीड़ित जनता इंटर कॉलेज के कक्षा 7 में पढ़ता था। पीड़िता की मां के मुताबिक उनके लड़के को दिसंबर माह में एक बार रूबेला का टीका लगाया गया था, लेकिन एक माह के अंदर ही दोबारा जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसकी वजह से उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। वहीं अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार ANM को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं CMO कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। कैसे, क्या हुआ? ये यहाँ इंजेक्शन लगाने का टीका, उससे इनकी हालत बिगड़ गई 10 तारीख को। अच्छा, फिर 11 तारीख से इनकी हालत बिगड़ी। हमें बाहर सब कहीं दिखाते थे, फायदा नहीं हुआ। फिर हमारा भांजा था, उसने बताया कि वहाँ इंजेक्शन लगाए। फिर हम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी एक इंजेक्शन लगा के वापस कर दिया गया। उसकी हालत इतनी खराब है, बिल्कुल सीरियस उसकी हालत। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।